नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। तस्वीरें भयावह हैं, हालात बेहद ख़राब हैं। ये तस्वीरें कठेला तुलसियापुर मार्ग की हैं। आज कठेला तुलसियापुर मार्ग पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो चुका है। बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है। बाइक से भाई साहब जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। तो अगर ज़रूरी हो तो ही इस मार्ग पर आज यात्रा करें, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है, और यात्रा ना करें तो ज़्यादा ठीक होगा। तस्वीरों में आप पंचायत भवन देख सकते हैं, पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन प्रशासन का अलर्ट कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। जब बाढ़ गांव में घुस जाता है तब दिखावे के लिए दौरे किए जाते हैं। बाढ़ के पहले ना कोई तैयारी, बाढ़ से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती है। कागजों में सब कुछ पूरा होता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी काम नहीं होता है। हालात काफ़ी ख़राब हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पानी का बहाव यहाँ कल इतना तेज़ नहीं था जितना आज है। ये एक चाय की दुकान है जो अब पानी के इस धार में फंस चुकी है, लेकिन गनीमत है कि वो चल रही है। जिस भट्टी पर चाय बनाया जाता है उसमें पानी भर गया है। और ये गांव की तस्वीरें हैं, हम गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। और ये तस्वीरें कठेला तुलसियापुर मार्ग की हैं। बूढ़ी राप्ती नदी को आप देख रहे होंगे। बूढ़ी राप्ती नदी अब सड़क के ऊपर से, सड़क के लेवल पे पहुंच गई है और सड़क के ऊपर से ये पानी बहना शुरू हो गया है। जी हाँ, ये बूढ़ी राप्ती नदी है और ये कठेला तुलसियापुर मार्ग है। ये मटियार और भुतावा खैरी झुंगावा गाँव के बीच जो कटान है वहाँ से पानी जो है ओवरफ्लो होकर के अब इस सड़क पर बहने लगा है। सड़क के कट जाने का खतरा बरकरार है और नदी का जलस्तर आज सुबह 4 बजे से ही बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। 2017 में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के बाढ़ देखा गया था जो आज 2022 में आपको दिखाई दे रहा होगा।